दो जिगरी दोस्तों की दुश्मनी की कहानी है सलार। फिल्म का एक्शन ट्रेलर रिलीज वन मैन आर्मी जैसे दिखे प्रभास, साउथ के सुपरस्टार प्रभास ने सोमवार शाम अपनी अपकमिंग फिल्म सलार का एक्शन ट्रेलर रिलीज करके फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया। 2 मिनट 53 सेकंड के इस ट्रेलर में प्रभास का एक्शन अवतार फिल्म के बाकी किरदार और फिल्म की थीम की झलक मिली है। ट्रेलर में दिखी क्राइम सिटी खानसार की कहानी। फिल्म के ट्रेलर में क्रिमिनल सिटी खानसार का जिक्र किया गया है। दिखाया गया है कि यहाँ कई सिरफिरे क्रिमिनल्स का राज चलता है। इस शहर पर राज करने के लिए वर्धराज मनार यानी पृथ्वीराज सुकुमारन एक युद्ध छेड़ देता है। उसके बचपन का दोस्त देवा उर्फ सलार यानी प्रभास इस काम में उसकी मदद करता है, जो कि वन मैन आर्मी है। फिल्म की कहानी दो दोस्तों के इर्द गिर्द बुनी गई है। दो दोस्तों की दुश्मनी की कहानी। वर्धराज और सलार मिलकर सभी दुश्मनों को खत्म करते नजर आ रहे हैं। हालांकि ट्रेलर के अंत में एक डायलॉग है जो फिल्म को लेकर सबका उत्साह बढ़ा देता है। वह यह है कि खानसार ने बहुतों की कहानी बदली है, पर खानसार की कहानी तब बदली जब दो जिगरी दोस्त कट्टर दुश्मन बन गए। ट्रेलर में प्रभास और पृथ्वीराज के अलावा श्रुति हसन, जगपति बाबू और टीनू आनंद भी नजर आए हैं। वहीं इसमें KGF में गरुड़ा का रोल निभाने वाले एक्टर रामचंद्र राजू की झलक भी मिली है। वो फिल्म में नारंग नाम के किरदार में नजर आएंगे। प्रभास की पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, ऐसे में उन्हें सलार से बहुत उम्मीद है। फिल्म सलार 22 दिसंबर को देश भर में 5 भाषाओं में रिलीज होगी। इसका क्लैश 21 दिसंबर को रिलीज हो रही शाहरुख खान स्टारर डंकी से होगा।